एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं अपने जो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ वो थोड़ा नए तरीके से कर रही हूँ, आप सबकी रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई नया व्लॉग वगैरह नहीं, आज रूटीन वगैरह नहीं कुछ भी लेकर के आई हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के बहुत फनी, बहुत अच्छा वीडियो, तो प्लीज़ पूरा वॉच करना। आज मैं और मेरे भाभी के मेरे बीच मतलब चैलेंज है कुछ, तो क्या क्या हमने चैलेंज किया, कौन जीता है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कैसा हमारा वीडियो लगा है। क्योंकि कईयों के कमेंट आ रहे थे कि मतलब हमें कुछ चैलेंज करके दिखाइए, तो गोलगप्पे का भी बोला था। गोलगप्पे का मैं दो बार ईशू के साथ कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरा वो वीडियो देख सकते हो। बाकी का मैं आज भाभी के साथ में कर रही हूँ पहली बार, तो देखिएगा। ऊपर हो ना थोड़ी सी, पाइप वही था करो ना, तेरा पाइप नहीं जाता उसमें। दोबारा कर अपना नहीं करेंगे, उन्हें देखेंगे पहले टीवी लिया उन्होंने। सवाई लिया बीच में से बोलो, तो कौन चले बीच में से। किसी पहले खत्म होगी बचिया। खत्म किसकी होगी मुंह में से। हाथ बांध लेते पीछे।
लग गया मेरा तो। खुद ही उठा के रख देंगे। सारी खानी है? नहीं, ये किसी खाने लायक नहीं बची, तो ऐसे खाई है। मैंने खत्म कर ली बस। जी जी तो आप नहीं, सारी नहीं, कुछ खानी थी ना हमारा चैलेंज खत्म हो गया है। अभी भाभी जीती 4 राउंड, मैं जीती 3 राउंड, इसका मतलब मैं हार गई, भाभी जीत गई। और भाभी को मैं गिफ्ट दे रही है, ये देखिए इसमें है, क्या है ये, मैंने पहले भी दिखाया आपको, अजवाइन, अजवाइन का जो पेड़ मैंने पहले आपको दिखाया भाभी की छत पे, इन्होंने ये घर में भी लगाया हुआ है, ये वाले गमले में, और इनको ही मैं इनको गिफ्ट दे रही हूँ। और इसकी जो ये अजवाइन है, इसकी खाली डंडी लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमें एड्रेस दे देना, कमेंट करके बता देना, हम लोग कोरियर करके आप लोगों के घर भिजवा देंगे। भाई बोले इसका लिंक डाल देंगे, आपको किसी को चाहिए तो मंगा लेना, बता देना हमें, और हम यहाँ से भिजवा देंगे कोरियर करके। और जो भी यूट्यूबरों को चाहिए वो भी बता देना, जिनके चैनल नहीं है वो भी बता देना, इस वहां एड्रेस भी मिल जाएंगे। और इसकी सच में खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये देखिए घर में लगाओ कितना अच्छा लगता है, सूंघ के देख लीजिए आप लोग, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और एकदम चौड़े चौड़े पत्ते वाली अजवाइन है, ये गर्म पानी में डाल करके पियो, पेट के लिए बहुत अच्छी है। और वैसे भी अजवाइन तो बना खाओ, पार्टी के लिए भी अच्छी है। हाँ, पार्टी के लिए भी अच्छी है। भाभी ने उस दिन बनाई थी जब मैंने लाइव करी, आप कोई आए नहीं खाने के लिए अजवाइन की पकौड़ी। और हमारे यहाँ पे आज भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो अभी इसकी पकौड़ी बना के हम खाने वाले। पहले तो ये सब जो खाया हमने उससे पेट भर गया, अभी पकौड़ी और बनाने वाले, तो किस किस को खानी है आ जाना खाने के लिए। और कैसा हमारा वीडियो बन लगा है प्लीज बताना कमेंट करके। और आज तो देखिए, तो हम अभी चलेंगे किचन में जाएंगे, जो हमारी जीत की खुशी हुई है उसके चक्कर में कुछ मीठा भी बनाएंगे। मीठा तो बनता ही है, वैसे भी मौसम इतना अच्छा हो रहा है, पकौड़ी बनाओ, मीठा बनाओ, कुछ भी। अब कैसा मेरा वीडियो लगा है प्लीज बताना जरूर। और आज तो भाभी, सब लोगों की रिक्वेस्ट में मैंने भाभी के साथ में वीडियो बनाई है, तो भाभी के लिए लाइक तो बनता ही है। जो न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों को किचन में जा करके। अभी यहाँ पे देखिए ईसू बना रही है लौकी की लौंज, यानी घिया की लौंज, और लौकी छील रही है। और आज पहली बार है, मतलब मैंने भी लौकी की लौंज इसके हाथ की पहली बार खाई, और आप लोग भी खाना, क्योंकि आपसे पहले इसने कभी ऐसे नहीं बनाया था कुछ भी। इसका मन हो रहा था कुछ मीठा खाने के लिए, और मेरा मन गन्नू भी यहाँ साथ में बोल रहा है, और मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ लौकी को कस लिया, इसने छोटा सा ही लौकी था, ऐसा नहीं था कि ज्यादा बड़ा है, थोड़ी सी उसका मन हो रहा था, मगर चल बना ले, तो इसने लौकी को कस लिया। उसके बाद देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई चढ़ाने के बाद में इसमें लौकी डाल दिया है इसने। और यहाँ पे एक पैकेट था मेरे पास दूध का, तो इसने पूरा ही वो, मतलब आधा किलो दूध, आधा लीटर सॉरी दूध डाल दिया है। और इसको अच्छे से पहले पकाएगी, और जब पूरा हमारा दूध सूख लेगा, ये पूरा एकदम मावा बन जाएगा। यहाँ पे धीमी धीमी गैस पे देखो पकाती जाएगी पूरा अच्छे से। एक बार और मैंने पहले इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो उन्होंने तब मुझे पूछा था कि कितने में कैसे डालते हैं, ऐसे तो मैंने कमेंट में बताया था, लेकिन आज फिर से दोबारा बता देती हूँ। अगर एक किलो लौकी है तो उसमें 2 लीटर दूध डाल दीजिए, जिससे कि अच्छा टेस्ट एक में भी बन जाएगा, लेकिन 2 में ज़्यादा अच्छा टेस्ट ही बनेगी। तो इसमें ईसू ने ये देखिए धीमी धीमी गैस पे अच्छे से इसको पूरे को पका लेगी। उसके बाद में चीनी तो देखिए अपने अकॉर्डिंग डालनी चाहिए, जैसा मीठा हम खाते हैं। अगर हम थोड़ा तेज मीठा खाते हैं तो उतना डाल दीजिए, बाकी तो एक अंदाज से ही डाल दीजिए। मैंने भी इसमें ईसू पे बाद में इसने पूछा था, क्योंकि अभी उसको अंदाजा उतना है नहीं है कि कितनी चीनी क्या करना चाहिए, बना ली वही बहुत था। तो इसने फिर मम्मी में कितनी चीनी वगैरह डालनी है, तब मैंने इसको बताया था। और यहाँ पे साथ में मैंने इसको बोला मेरी चाय भी बना दे, तू किचन में ही है तो यहाँ पे मेरी चाय बना रही है। आप देखते होंगे कढ़ाई में, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी में चाय बनाना, ज़्यादातर मैं इसमें ही बनाती हूँ, क्योंकि और तो मैं इसमें कोई सब्जी वगैरह कुछ ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि फैमिली सब बड़े ही हैं हम मेम्बर, तो इसमें कितनी सब्जी बनेगी। ये तब हमने ली थी जब मैं और इसके पापा हम 2 ही मेम्बर थे मेरी शादी के बाद, तब थोड़ी सी सब्जी बनाने के लिए, उसके बाद से फिर ज़्यादा यूज भी, या कभी ऐसा हो जाता था कि जो कोई सब्जी बच गई है तो उसको फ्राई कर लो या गरम कर लो। तो लेकिन अब इसमें मैं चाय बना लेती हूँ, अच्छे से साफ हो जाती है ना। यहाँ देखिए ईसू ने डाली है ये छोटी आधा कटोरी चीनी, क्योंकि थोड़ी सी है, और आप देख सकते हैं अच्छे से दूध हमारा धीमे धीमे से पक गया है। और लौकी भी और अच्छी बनी थी, टेस्टी, क्योंकि हल्का सा, ये देखिए इसमें दूध सा जो हल्का सा रह जाएगा वो उसको ज़्यादा पसंद आती है,
और एकदम सूखी सी जो बन जाती है ना वो उसको नहीं अच्छी लगती है, उसे नहीं खाती वो। मैंने कहा चल तू अपने हिसाब से अपनी पसंद की बना ले। तो ये आप लोग भी खा लीजिए लौकी की लॉन्च। हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब? आप सब ठीक होंगे? मैं ठीक हूँ, देख मेरे बोल। हाँ, अब की बार अच्छे दिखे है ना, अच्छे से ठीक से। तो देखिए फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा अलग हट करके लेके आई हूँ, नॉर्मली जो रोज व्लॉग दिखाती हूँ उससे अलग, जैसे मैंने बताया था और आप लोगों को पूछा भी था। आप लोगों के सजेशन के हिसाब से ही मैंने वीडियो बनाई, यानी कि रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आप हमेशा कंजूसी करते हैं, और उसके बाद में अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो। और जो न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज यार सपोर्ट भी करो। इस तरीके से सब्सक्राइब किया और छोड़ दिया वो मत काम करो। और हमें बहुत अच्छा लगा, खूब मस्ती करी सच में ही, बनाने में भी ये वाली वीडियो बहुत अच्छा लगा कि एक तो नया भी हो गया, और दूसरा एक होता है ना कि कुछ मतलब फन हो जाता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मुझे पता है देखने में भी खूब हंसी आने वाली है, मस्ती होने वाली है, आप लोग भी खुश हो जाओगे देख करके। तो चलिए कल को मिलती हूँ ऐसी कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ में। और आप लोगों को अगर कोई और है चैलेंज वगैरह कराना है, देखना है, तो प्लीज़ हमें वो बता दीजिए, हम वो चैलेंज पूरा जरूर करेंगे। और किसके साथ करूं वो भी मुझे आप बता देना कमेंट करके। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को कल नए वीडियो के साथ में, अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का और अपने बच्चों का ध्यान रखना। मिलती हूँ फ्रेंड में कल, बाय बाय।